बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो पिछले काफ़ी समय से बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो बहुत छोटी सी एक जानकारी आपको अगर हो जाए तो प्रेगनेंसी आराम से कंसीव हो सकती है। उसमें आपको सिर्फ ये जानना है कि कौन से बेस्ट डेज होते हैं, जिन दिनों में आपको अपने साथी के साथ संबंध बनाने चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो। तो आइए इसको बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स हम इससे समझेंगे, जिस दिन ब्लीडिंग होती है हम उससे काउंट करेंगे, ये पहला दिन। अब ये किसी भी तारीख में पहला दिन हो सकता है, उस हिसाब से यहाँ पर ये डेट नहीं है बल्कि ये पीरियड का पहला दिन है। ठीक, आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा चक्र कितने दिनों का होता है हमारा। कुछ लेडीज में 28 दिन का चक्र होता है, कुछ लेडीज में 30 दिन का चक्र होता है, कुछ में 35 दिन का भी होता है, कुछ में 22 या 26 दिन का भी होता है। चक्र कितने भी दिन का हो, आपको लास्ट डे से, यानी मान लीजिए किसी महिला का पूरा चक्र 30 दिन का होता है, उसके बाद नया पीरियड आता है, तो आपको 30 दिन से 14 दिन इधर आ जाना है। ठीक है, 14 दिन काउंट करके छोड़ देने हैं 14 दिन के बाद, यानी ये दिन ओवुलेशन का हुआ उसके लिए, ये जो ओवुलेशन का डे हुआ उसका, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर गर्भाशय का मुंह खुलेगा और इससे अगर 3 दिन पहले या 4 दिन पहले तक कुल मिलाकर जो एक ऑन एन एवरेज जो स्पर्म की लाइफ होती है 3 से 5 दिन, तो अगर इन दिनों में कॉन्टैक्ट किए जाए, यानी यहाँ से हम 10वें दिन से लेते हैं, यहाँ से अगर इन दिनों में कॉन्टैक्ट किए जाए तो ये बेस्ट प्रेगनेंसी के कंसीव करने के दिन हैं। और आगे तक अगर हम इसको जोड़ें, क्योंकि ये भी दिन आगे पीछे हो सकता है, तो ये दिन अगर आप यहाँ तक जोड़ लें तो ये बेस्ट प्रेगनेंसी के दिन हो गए यहाँ से लेकर। ठीक है, और इसको भी अगर एक दिन और यहाँ पर हम जोड़ लें तो ये दिन हमारे बेस्ट डेज हो गए प्रेगनेंसी कंसीव करने के, अगर किसी भी महिला का 30 दिन का पीरियड है तो। अब मान लीजिए किसी भी महिला का 28 दिन का पीरियड होता है, तो 28 में जब आप पीछे आ जाएंगे, 14 दिन पीछे से काउंट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 14 दिन काउंट करेंगे, तो आपका ओवुलेशन का डे ये 14वां दिन आ जाएगा। ठीक, या 13वां दिन हो सकता है ये, तो 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो हमें मार्जिन लेके चलना है। ठीक, तो 14 दिन अगर पीछे हम इधर आते हैं तो हमारा ये वाला ओवुलेशन का डे होगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां से कांटेक्ट करते हैं, 7वें दिन से फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं, तो किसी भी दिन कांटेक्ट आराम से यहां पर हमारे स्पर्म पहुंच सकते हैं और ये कांटेक्ट हमारे लगभग 18वें दिन तक प्रॉपर रहेंगे, और ये प्रॉपर दिन रहेंगे, बेस्ट दिन रहेंगे और प्रेगनेंसी कंसीव करने के। तो दिन चक्र आपका कितने भी दिन का हो, आपको लास्ट से जो पूरा चक्र होता है लास्ट से 14 दिन इधर काउंट करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा ओवुलेशन डे है। उससे जो हमारे शुरू के जो 6 और 7 दिन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लगातार उसमें आपको कॉन्टैक्ट में रहना है तो आपकी प्रेगनेंसी आराम से कंसीव हो सकती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। थैंक यू सो मच।